बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार शाहपाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल टू दिस एडिशन ऑफ स्पीकर्स कॉर्नर। एज यूजुअल वी हैव विद अस इन द स्टूडियोज टू गेस्ट टू हेल्प अस विद आवर डिस्कशंस फॉर टुनाइट। आवर फर्स्ट गेस्ट इज फ्रॉम बर्मिंघम। ही इज नजीब अफसर हु इज चेयरमैन ऑफ द कश्मीर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो स्पोक्स पर्सन फॉर JKNIA. Our second guest unfortunately is running somewhat delayed due to unforeseen circumstances. Will be joining us very shortly, inshallah. He will be Wahid Kashir from Reading, who is a spokesperson for Kashmiri Workers Association and also a writer and analyst. So in the meantime, I'd like to welcome Najib Afsar Sahab. Assalamu alaikum, sir. Good evening to you. Okay, and very shortly we shall have the arrival of our second guest as well, but we shall begin the program without him for now. Nazreen, pichle hafte ka program is liye se bahut acha tha ki hame badi positive feedback aayi hai. Hamare mozme mahanu ne bade dalail ke sath pure mamlaat ko discuss kiya aur ek liye se consensus build hua और उन चीज़ों को देखा गया कि मसला कश्मीर के हल में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट थीं। मसलन एक बात तो ये आ गई कि यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर हैं उनमें पाकिस्तान ने अपनी फौजियों को निकालना था, और लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया ने निकालना था, लेकिन पिछले हफ्ते की बहस और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद ये कंसेंसस हो गया कि पाकिस्तान ने फौजें निकालने से इनकार कर दिया। बाद 1950s में, मिड 1950s के बाद इंडिया ने कश्मीर को अपना अटूट अंग कहना शुरू कर दिया। ये भी कंसेंसस हो गया कि मसला कश्मीर जो है एज फार एज इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ कंसर्न, वो कहते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान ने बाहमी आपस में बैठ कर हल करना है। यानी दूसरे लफ्जों में, मारे हम जाते हैं, औरतें हमारी बेवा हो रही हैं, बच्चे हमारे यतीम हो रहे हैं, 70-80 हज़ार लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन हमारे मुस्तकबिल का फैसला कौन करेंगे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रहनुमा। तो इसमें किसी न किसी जगह प्रॉब्लम है। तो इन अदर वर्ड्स, मसला कश्मीर में हम तो एक ऐसे पार्टी भी सही तरीके से माने नहीं जा रहे। हमें मरने के लिए हैं, सफ़र करने के लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई गलती है, हमारी स्ट्रेटजी गलत थी या जो तरीकाकार अपनाया गया था वो गलत था। तो हमें इस पर भी गौर करना है। ये बात भी सामने आई कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी उसका इन्फ्लुएंस बन गया उसका। नतीजे के तौर पर दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान को मसला कश्मीर पर नाराज़ करे। ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी हालात हैं, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कोई पॉजिटिव रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। ये बात भी सामने आई कि कश्मीरियों का भी इसमें बड़ा आम रोल है कि हम में इतिहाद नहीं है। कुछ लोग इलाके हिंदुस्तान चाहते हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, कुछ खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, कुछ इसको इस्लामिक उम्मा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेटस को पर राजी हैं। और फिर ये भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जैसे कि शेख अब्दुल्ला था। हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, या तो वो रीजनल है या ट्राइबल है या छोटी छोटी जमातों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम कश्मीरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पोजीशन को तो बदल नहीं सकते, यानी हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस को हम कम नहीं कर सकते, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि अपने दरमियान कंसेंसस पैदा करें। और हमारे प्रोग्रामों का यही बड़ा मकसद है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको ये कहा जाए कि बी कश्मीरी, थिंक एज ए कश्मीरी, एक्ट एज ए कश्मीरी। ये नहीं है कि देखें हमें कश्मीरी बनकर सोचना है, कश्मीरियों के मफादात का तहफ़ करना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मफादात करने के मफादात का तहफ़ करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है। तो इसके बाद मैं एक फाइनल बात ये करना चाहूँगा इस बात पर कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्स आई हैं, मैं एक आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ। उस उन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर साहब और कश्मीर नेशनल पार्टी, यू आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू द कॉज ऑफ कश्मीर। मैं समझता हूँ कि इसके हमें बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हमारी जो क्रिटिसिज्म आती है हम उसको भी खुदा पेशानी से कबूल करेंगे। तो अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कराची पैक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन कश्मीर।
तो हमारे इतफाक़ से इस वक्त चूँकि सिर्फ एक ही मेहमान है, दूसरे मेहमान रस्ते में हैं, तो मैं अपने जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं नजीब अफसर साहब, उनसे सवाल करना चाहूँगा। भाई देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है, कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, कश्मीर हमारा हमदर्द, पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और पाकिस्तान हमें आज़ादी दिलाना चाहता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये माहिदा कराची है क्या और आपको इस माहिदा कराची से क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले डॉक्टर साहब और शफाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम और एक तारीख आज़ादी को आप एक रोशनी दूसरी रोशनी दे रहे हैं जो यंग जनरेशन है। जो सवाल आपने किया कि कराची पैक्ट क्या चीज़ है, कराची इसकी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है और ये बदकिस्मती के साथ जैसे हमारी जो तकसीम है टू नेशन थीरी हुई और कश्मीर तो टू नेशन थीरी का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने वजूद में आए और उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की कोशिश की, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया ने तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का वो कर लिया कि ये तो हमारा वो एक्सीड कर लिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि आफ्टर द यूएन रेजोल्यूशन व्हिच स्टिपुलेटेड कि दैट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू डिटर्मिन देयर डेस्टिनी, और ये था कि चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए या खुद मुख्तार रहे। और पाकिस्तान ने क्या किया, उस रेजोल्यूशन में ये भी था कि कोई ऐसा बड़ी डिसीजन जो है वो यूनिलैटरल या बायलैटरल ये कोई उनका हक नहीं होगा अनटिल इट कम्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल और वो ही फैसला कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो कराची है तो ये एक लिहाज से यूनाइटेड नेशन की करार दे दूं, इट इज यस ऑफ कोर्स इट इज कंप्लीटली ये उसकी नफी करता है कि ये पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि बदकिस्मती के साथ हमारी जो आपने जैसे कहा कि कुछ लोग इधर चाहते हैं उधर चाहते हैं, कुछ लोग स्टेटस को चाहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि क्या कि हमारी यही रिवायत आई है कि जो बड़ा जिसके साथ लाठी है वही इसकी हुक्मरानी करेगा। पाकिस्तान ने सिस्टमैटिकली एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका कराची पैक्ट है और उसको एक उसको अनाउंस कर दिया, लेकिन अथा कि जिस आदमी का वो ये किसके दरमियान है कराची पैक्ट है, किसके दरमियान कराची पैक्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद के दरमियान है, कश्मीरियों के दरमियान तो है ही नहीं है। आई थिंक डॉक्टर साहब इज ट्राइंग टू आस्क हु एक्चुअली साइन द एग्रीमेंट। इसी वही मैं कह रहा हूं कि वो जो कराची पैक्ट वो कश्मीरियों को तब होता कि जब हमारी कश्मीरी क्यादत उस पर साइन करती, जब हमारी क्यादत ने जिसका नाम लिया जा रहा है सरदार इब्राहिम, मैं खुद यहां बैठकर ये वाजिया करना चाहता हूं कि एक बार यहां सरदार इब्राहिम साहब आए और उन्होंने अल्फन कहा कि मैंने कोई वायदा मुआहदे पर साइन नहीं किए, अगर उन्होंने नहीं किए तो किसने किए? ये तो वही हुआ ना जैसे उन्होंने मंगला डैम का एग्रीमेंट किया, चीफ सेक्रेटरी ने साइन किए, वापडा ने साइन किए और उनके दूसरे जो मिनिस्टर था तो उसने साइन किए। दूसरे लफ्ज़ में टॉपिक से हट गए हैं, तो यानी चीफ सेक्रेटरी भी पाकिस्तानी हुआ, आजाद कश्मीर जो वो भी पाकिस्तानी हुआ, वापडा का जो चेयरमैन है वो भी पाकिस्तानी हुआ, तो दूसरे लफ्ज़ में जो मंगला डैम का माहिदा था वो भी दो पाकिस्तानी के दरमियान हुआ, वो पाकिस्तान जो माहिदा कराची है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ होल हार्टेडली कि ये कश्मीरियों ने साइन नहीं किया, लेकिन साइन नहीं किया लेकिन तस्लीम कर लिया ने। अच्छा तस्लीम कर, अच्छा ये वो जो उसका एप्लीकेशन में रहे, देखो उसमें इंटरम अथॉरिटी आई थी जिसका यूएन रेजोल्यूशन के तहत वो तो गवर्नमेंट, चलो अथॉरिटी गवर्नमेंट एक ही चीज होती है, अथॉरिटी थी और उन्होंने इसको ऑन कर लिया, अतः कि उन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन हुआ है कि वो उसको पूरे राइट्स जितने भी राइट्स थे जो इंटरम अथॉरिटी को होने चाहिए थे वो सब इस्लामाबाद के पास हैं और उसमें जितने भी फॉरेन अफेयर्स डिफेंस अतः के रेफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन तक भी वो इस्लामाबाद के पास आए, और ये जो इसका जो इम्प्लीकेशन इट गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू द अदर साइड द इंडियन गवर्नमेंट टू वो भी आपने उसको पक्का बना लें।
इन्होंने भी ये पक्का बना लिया अगर ये अफेक्टेड था, अगर कराची मुआहिदा था, सबसे ये होना ही नहीं चाहिए था, इसको सिर्फ और सिर्फ इनविजिबली ऑक्यूपाइड करने का एक तरीका था, ऑक्यूपाइड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आजाद किया गया ताकि गलत कि इस मायदे के तहत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया। आप ये कहना चाहते हैं एग्जैक्टली टोटली दे यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान एंड आल्सो नॉट ऑल, ये नहीं है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन ये जो 4000 मुरबा मील है जिसको आजाद कश्मीर किया जाता है 4000 मुरबा मील, उसको भी इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये स्टेटस को हुआ कि वो आप रखें ये हम रखेंगे। Yes, तो दूसरे उसमें इसमें यह बात आ गई कि एक तो मायदा कराची ने पाकिस्तान को यह अख्तियार मिल गया कि वो गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह चाहे यूज़ करे। Yes. और आज़ाद कश्मीर में भी उसका अपना कंट्रोल आ गया, तो यानी आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी उस वक्त, उसमें मायदा कराची में उसका क्या रोल है? उसमें जो रोल है उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये जो मुआहिदा है, जो जब उन्होंने साइन भी नहीं किया तो उनको कहा गया कि ये मुआहिदा है, उन्होंने कहा जैसे उन्होंने अक्टूबर की जो पहली गवर्नमेंट थी उसको मस्तरद कर 24 अक्टूबर की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, ये वही बात है। So basically what's happened is, I'm just speaking in English just to let the youngsters know, because there are many, many, many Kashmiri youngsters who watch our program as well, and we're being told that unfortunately they don't understand Urdu quite clearly as well, so therefore putting it to English. So basically this agreement was signed by the Pakistanis for the Pakistanis without any regard whatsoever for any opinions by the Kashmiri people. Gilgit Baltistan, Balki they've started calling it the Northern Territories, which of course it's not. It's always been Gilgit Baltistan, and that's what it should be. And because Pakistan want to show their authority over it, they've started calling it the Northern Territories. What you've just said, and just like to reiterate that any Azad Kashmir government that was supposedly part of this agreement was just basically puppets of the Pakistan administration. And as you've already mentioned, Sardar Ibrahim Khan, he never actually stipulates that he ever signed such a document. So what do you think the rest of the world should perceive this just as a false confession would be from somebody who's been tortured and got through similar along those lines, rather than an actual agreement for proper authority in any of the world laws? See, what the youth need to understand is this, that at the time of this agreement in 1949, the AJK, so-called AJK, the interim, I will always use it as an interim authority or government, they were mere spectator, or they might have read it in the paper that there is such thing as a Karachi agreement and that they have to abide by it. That's right. So because it's basically forced onto them. Because the relationship between Muzaffarabad and Islamabad at that time, it was Karachi, of course, that the relationship has always been a master and a slave. So slave always has to obey the rule of the master. So the master said, look, this is the agreement. These are what you have to do. You do what we tell you to do. And then invisibly, like you quite rightly said, that it's called invisible occupation, slowly, slowly, with the passage of time. Say, for example, they've said Northern Territory. Yes. Yeah, and now that they say that this is a province of Pakistan. Yes. It is a call, a game, a mind setting. The yes. people, the indigenous population, they are in setting the mindset of the youths, the future generation, that this is part and parcel. If it was part and parcel of it, then what is the resolution sitting in the UN Security Council? What are they for? Are they for the 4,000 square mile, or are they for just merely the Indian occupied site? So in other words, you know, people who say that Pakistan is our big brother, and then you were saying that the relationship is like master and slave. Where does the issue of brother or issue of that Pakistan Amar Amdard, where does that come in? I think, Dr. Saab, that the relationship, it is for us to understand. It is for us to understand, is the relationship is for as a big brother or the young brother,
don't forget that Kashmiris have a history of 5,000 years. So if the big brother comes, then it should be the elder person should be the brother, not the younger for 65 years old. So where the people have a notion, that we cannot survive without Pakistan. This is a mindset through literature, through various talks, that they have set the mindset of these people that you cannot live without the Pakistani economy, Pakistan. Yet we, the people of Kashmir, if it was not because of our water, not because of our resources, then Pakistan, where would Pakistan be at this time? So in other words, what you were saying is that Pakistan ka jo relationship hai azad Kashmir ke saath, wo ek master aur slave ka hai. और मायदा कराची जो है उसने पाकिस्तान को ये अथोराइज कर दिया कि वो गिलगित बल्सान को एक लिहाज से हजम कर ले या अपनी कॉलोनी बना ले और आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप थी या आप कहते हैं कि वो पपट्स थे उनको इतना ये इख्तियार नहीं था कि वो गिलगित बल्सान के बारे में कोई राय दे सकें या कोई काम कर सकें बल्कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो अमली तौर पर एक कॉलोनी बन गया इस कराची की यानी पाकिस्तान की उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि ये जो 4000 स्क्वायर माइल है नाइदर इट्स ए कॉलोनी और नाइदर इट्स ए ड्रिफ्टिंग ये देखो ये जो उन्होंने किया ऐसे किया कि इसको गिलगित बल्चिस्तान को ये जो पैक्ट था न था कि वो जो अंजीब अफ साहब कैन वी जस्ट वेलकम ओवर सेकंड गेस्ट वाहिद काशी साहब आई नो वाहिद काशी साहब हैड अ डिफिकल्टी रीचिंग हियर बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक इज फ्राइडे इवनिंग वाहिद काशी साहब वी वेलकम यू टू द शो एंड कैन वी जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क यू अबाउट योर ओपिनियन उर्दू में बात करेंगे कि आपके हिसाब से मायदा कराची क्या है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ मायदा कराची ऑन कश्मीर डिस्प्यूट थैंक यू डॉक्टर साहब आपने बुलाया मैं माजर चाहता हूँ पहले तो डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पर अगर हम इस मायदे के पीछे जाएं तो हमें देखना पड़ता है इसके पस मंजर में और पेश मंजर में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी ज़रूरियात क्या थी और किस बुनियादों पर किन बुनियादों पर कश्मीरी आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया सबसे पहले ये ज़रूरत है इस बात की कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को मायदा किया था 1948 को उसकी जो बुनियाद थी वो ज़रूरत क्या थी उसकी इस बारे में कभी भी हमें बयान नहीं किया गया और मैं समझता हूँ कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर हमारी कश्मीरी जो नौजवान नस्ल है उसको नहीं मुतारफ कराया गया नहीं बताया गया कि उसके पस पर्दा हकाइक क्या थे इसको बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि कश्मीर की जदीद गुलामी की एक नई दस्तावेज थी जिसने कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर जिसको खुसूसी तौर पर कहा जाता है मैं तो उसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहता हूं उसके अंदर एक जवाज बनाया और जिसके आगे चलकर एक्ट 74 की शक्ल में गुलामी की एक नई शक्ल ईजाद हुई सो बुनियादी तौर पर इसके जो पसे पर्दा हकायक थे अगर मैं उस पर बात करूं तो मैं समझता हूं कि कानून आजादी हिंद के तहत जो 15 अगस्त 1947 को कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत थी वो खुद मुख्तार हो गया था और उस खुद मुख्तारी को अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर महाराजा के हकूक की हुक्मरानी भी खत्म हो गए थे जिसे बैनामा अमृतसर के तहत कोई प्रोटेक्शन मिली हुई थी और कश्मीर मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार हो गया था महाराजा ने अपने इस गैर कानूनी इकतदार को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने के लिए अपने आप पांव मारने शुरू कर दिए और हमें यह बताया जाता है तारीख के हवाले से कि उसके बाद जो 4 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की जो बागी हुकूमत कायम हुई वो कश्मीरी अवाम की आज़ाद हुकूमत के लिए आज़ाद रियासत के लिए एक जदोजहद का तसलसल थी और ये भी है कि इसके अगर तारीखी तौर पर मजीद अगर क्रेदा जाए तारीख को तो हमें यह भी पता चलता है कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के क्याम पर हाके हुक्मरानी के नाम पर जो खाना जंगी शुरू हो गई थी वो भी ताज बरतानिया का या बरतानवी साम्राज्य का एक मंसूबा था और उस मंसूबे के तहत जिन सिंगी जत्थे जो थे वो मकबूजा कश्मीर या भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए तो टॉपिक पर वापस आ जाएं तो जरा क्योंकि लंबी हिस्ट्री चली जाएगी क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने बजात कर दिया है तो अब ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ये बताएं कि मायदा कराची पस मंजर बयान कर रहे थे उसके इम्प्लीकेशन क्या हुए हैं मसला कश्मीर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नेगेटिव हुआ है बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव तो नाम ही नहीं है उसमें बुनियादी तौर पर टोटल नेगेटिविटी हुई है
और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उसकी बुनियाद पर एक्ट 74 हुआ और जो अभी गिलगित बल्तिस्तान का पैकेज के नाम हुआ, यह बुनियादी तौर पर उस गैर कानूनी कब्जे को दवाम और तसलसल देने के लिए यह सारा साजिश थी। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लफ्जों में जो माहिदा कराची है उसके बाद जो एक्ट 74 आया और अभी गिलगित बल्तिस्तान जो बना 2009 को उन्होंने नया एक्ट दिया, तो ये एक ही तसलसल है, ये उसी सिलसिले का तसलसल है। यानी कि पाकिस्तान बड़ा भाई का नाम होते हुए भी वही कुछ कर रहा है, यानी कि कश्मीरी जो टेरिटरी है उसको किस तरीके से ऑक्यूपाई किया जाए या एक्सप्लोर किया जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ और इसमें कोई शुबा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से भरपूर इत्तेफाक करता हूँ कि ये वो एक जदीद गुलामी की, जैसा कि मैं अर्ज किया, एक शक्ल थी जो कश्मीर में 47 के बाद शुरू हुई और एक्ट 74 उसकी एक, आप उसको कह लें, उस पर एक मोहर साबित हुई। और अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के नाम पर कश्मीर को पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनाने के नाम पर जो तसलसल हुआ, सिलसिला चला, वो भी एक नई गुलामी की एक जदीद शक्ल है। तो फिर दोनों मुल्क में फर्क क्या रह गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? मेरे नजदीक तो एक जारे और गासिब का जो फर्क है वो मैं नहीं देखता कि उसका मजहब क्या है, उसका जो है, मैं हिंदू गासिब और मुसलमान गासिब के नाम पर कोई तफरीक नहीं पैदा करना चाहता। कश्मीर अगर मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, तो उस पर जो काबज हैं भारत और पाकिस्तान की शक्ल में, मुझे, मैं अपनी जाती ओपिनियन में उनकी गुलामी में हूं, चाहे वो भारतीय मकबूजा कश्मीर है जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ अगर नाम का है तो इसमें तो इसमें कोई मखमसे और कशमकश की शक्ल नहीं रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर कश्मीर एक गुलाम है और कश्मीर की गुलामी पर भारत और पाकिस्तान दोनों रजामंद हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप नजीब अफसर साहब, वो उन्होंने बड़े अच्छी फ्रेज यूज़ किया है कि ये यानी गुलामी के जदीद जो है ना तरीका कह रहा है और जो 1949 में शुरू हुआ उसका तसलसल अभी तक जारी है, और आप वो कह रहे हैं कि दोनों गासिब हैं और गासिब का कोई मजहब नहीं होता, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि जो मैं आपको थोड़ा सा जो आगे पहले आपने बात की है कि देर इज नो गुड ऑक्यूपायर और बैड ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर इज एन ऑक्यूपायर, इसमें कोई फर्क नहीं। जैसे वाहिद ने कहा कि वो दोनों एक 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 तराजू में है, वो उन्होंने उधर कब्जा किया हुआ है, इन्होंने इधर कब्जा किया हुआ है। अगर पाकिस्तान बड़ा भाई, जैसे आपने पहले कहा था, बड़ा भाई होता, अगर उसका वो अगर वो इम्प्लीमेंट करता, तो जो चीफ जस्टिस 4000 मरबा मील के जो चीफ जस्टिस मलिक मजीद साहब थे, उन्होंने एक जजमेंट दी थी कि ये जो गिलगित और बल्तिस्तान है शुड फॉर्म अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरम अथॉरिटी। इंटरम अथॉरिटी की बात ऐसे करता हूँ ना, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं कि दोनों गासिब हैं, वो दोनों गासिब का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब, ठीक है, और गासिब गासिब है, तो फिर क्वेश्चन यह है कि सारी की सारी जो स्ट्रगल है तो फिर एक गासिब के खिलाफ क्यों है अगर दोनों गासिब हैं? नहीं, देखो ये एक एक कुछ देखो जो स्ट्रगल है, जो जैसे हम मैं बैठा हूँ, जैसे वाहिद बैठे हुए हैं, तो हम तो ये तो नहीं कहते हैं कि देर, मैं बार बार कहता हूँ कि देर इज नॉट ए गुड ऑक्यूपायर और बैड ऑक्यूपायर, हम तो वाजिया तौर पर कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ है और वी हैव टू एक्सेप्ट, इट्स ए हार्ड ट्रूथ। भाई साहब क्विकली आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि व्हाई इज इट स्ट्रगल अगेंस्ट वन ऑक्यूपायर? कश्मीरी वर्कर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहता हूँ और मैं बिला तमहीद कहता हूँ कि हमारी जो जद्दोजहद है कश्मीर के अंदर, जो हक पसंद आज़ादी पसंद कूवतें हैं, हम उनके पुश्तबान हैं, हम उनके साथी हैं। आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर, शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर, ये हमारी टर्म है और हम इसको बड़े वाजह तौर पर ये गुलामी के एक फ़र्क को वाजिया करती है। हम कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो भी कूवते हैं हक और आज़ादी पसंद, हम उनकी हमायत करते हैं और हमारे नज़दीक हक की आज़ादी का जो सवाल है उसके अंदर मुसलमान जो जा रहे हैं और काफिर जा रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वाजिया और क्लियर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम जो उभारते हैं इस मद्देनज़र में। दूसरी बात यह भी वाजह करता चलूं कि अभी जो है जदीद गुलामी की एक नई शक्ल जो दरियाफ्त हुई है कश्मीर के अंदर, वो तुलबा और मजदूरों और किसानों की जो अखंडता है, उनकी जो जदोजहद है, जो उनका मयार है, वो उभर रहा है और उनको पता चल रहा है कि कश्मीर के अंदर हमारे बुनियादी हक के आज़ादी को इंतहाई मसलूब कर दिया गया है।
So there you have it, ladies and gentlemen. So far tonight, we have ascertained from, again, two of our guests who have confirmed that both India and Pakistan are nothing but occupiers of this territory known as Jammu Kashmir. Stick with us. We shall be taking a short break, and inshallah, after the break, the phone lines will be open for yourselves as well, and we look forward to hearing from you as well. So keep watching Venus TV, and we'll see you very shortly after this few commercials. Thank you.